हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी। माँ का एक कहानी जो काव्य है, और इस कविता को हमें कहानी के रूप में लिखना है, और उसके इस कहानी पर से हमें ये मेरी माँ ऐसे भी लिखना है। दोनों आप लोगों को समझा देती हूँ, आप ध्यान दीजिए। यह कहानी माँ यशोधरा अपने बेटे राहुल को सुना रही है। सुबह का समय था। राजकुमार सिद्धार्थ अपने उपवन में घूम रहे थे। अचानक एक हंस की चीख सुनाई दी। वह जमीन पर आ गिरा। सिद्धार्थ दौड़कर उसके पास गया। हंस को किसी ने तीर मारा था। सिद्धार्थ ने हंस को बड़े प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने धीरे से तीर खींच लिया। पास में पानी का होश था, वहां जाकर उसके पंख पर पानी छिड़का। अब हंस राहत महसूस करने लगा। इतने में आखे तक देवदत्त कहाँ आ पहुंचा। उसने सिद्धार्थ से अपना शिकार वापस मांगा। सिद्धार्थ ने देने से इनकार कर दिया। यह झगड़ा न्यायालय में पहुंचा। राजा न्यायासन पर बैठे थे। देवदत्त ने कहा कि इस हंस का मैंने शिकार किया है, इसलिए हंस पर मेरा हक है। सिद्धार्थ ने नम्रता से कहा कि इस हंस को मैंने शरण दी है, इसलिए यह मेरा है। राजा ने न्याय करते हुए कहा कि मारने वाले से जीवन देने वाला बड़ा होता है, इसीलिए इस हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार बनता है। ये उसकी कहानी मैंने जो आपको तो समझा दी। अब उस पर से ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। माँ शब्द का उच्चार करते हुए ममता और वात्सल्य की जीती जागती मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है। माँ शब्द में सारी दुनिया का सुख समा गया है। माँ की महिमा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दुनिया की सारी मिठास इस एक शब्द में समा गई है। माँ के प्यार का उसे कर्तव्य का कोई पर्याय नहीं है। मेरी माँ भी बहुत प्यारी और कर्तव्यनिष्ठ है। वह हमारे परिवार की ही कड़ी है, जिसे हम सब जुड़े हुए हैं। परिवार के प्रति उनका स्नेह भाव अनोखा है। परिवार के सभी सदस्यों का वह हर तरह से ख्याल रखती है। घर की साफ सफाई, सजावट और देखभाल जैसे काम वह हंसते हंसते करती है। मेरी पढ़ाई और पिताजी का हर काम भी वह ध्यान रखती है। हम सबको तरह तरह के भोजन और व्यंजन बनाकर खिलाती है। घर आए हुए मेहमानों का आतिथ्य वह बड़े प्यार से करती है। वह भाई बहनों को अनुशासन का पाठ सिखाती है। मेरी माँ का स्वभाव मिलनसार, दयालु और परोपकारी है। सबका काम बड़ा ही प्रसन्नता की और लगन से करती है। मेरे दोस्तों को भी प्यार से करती है। किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मेरी माँ सचमुच अपार शक्ति का भंडार है। मेरी माँ बहुत धार्मिक और उदार दिल की है। वह ऊंच नीच और भेदभाव और छूत अछूत की कभी विश्वास नहीं रखती। वह रोज पूजा पाठ करती है, मंदिर जाती है। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अंधविश्वासों पर रूढ़ियों का वो नहीं मानती। वह हमें ईमानदारी, स्वाभिमान और अच्छे नागरिक बनाना चाहती है। तो आप लोगों को कुछ और भी सेंटेंस लिखकर अपनी माँ के बारे में ऐसे लिखना है। तो आप लोगों को नोटबुक में ये इस कविता पर से कहानी और मेरी माँ ऐसे दोनों नोटबुक में कंप्लीट लिख देना है। ओके, थैंक यू।